नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बार सभी लोग जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक ज़रूरी सूचना है कि इस बार संडे को परीक्षा प्लस टीम आप सभी के लिए एक फ्री टेस्ट करा रही है। जो फ्री टेस्ट है आपका वो 19 जून को 11 बजे एक्टिवेट होगा। इस फ्री टेस्ट की खासियत बात क्या है सबसे बड़ी कि इस संडे हर संडे को अभी से हर संडे को परीक्षा प्लस टीम आपके लिए फ्री टेस्ट लेकर आएगी, जिसमें से एक या दो दो मिनिमम के दो टेस्ट होंगे और मैक्सिमम 3 टेस्ट कराएगी। तो पीटी हुआ और रेडियो ऑपरेटर में हेड ऑपरेटर का जो टेस्ट है वो इस संडे को 11 बजे एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस संडे टेस्ट के दोनों टेस्ट के टॉपर को कैश प्राइज रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो जो बच्चे अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि कैसी हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है, वो परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो भी टेस्ट होते हैं हमारे द्वारा क्विज कंडक्ट कराए जाते हैं वो आपको समय अनुसार पता चलता रहे, ठीक है। अभी हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो ये है कि भैया आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 के दो वैकेंसियों के कट ऑफ के बारे में देख लिया है, साक्षात दर्शन कर लिया है कि भैया कितना कट ऑफ जा रहा है। बात करते हैं हम लोग लेखपाल की, तो लेखपाल में आपने देखा कि 62 नंबर कट ऑफ गया 100 में से, नंबर की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइज जो मार्क्स था। और अभी 76 पोस्ट के लिए आपका जो लोअर पीसीएस वाली जो पोस्ट है सप्लाई इंस्पेक्टर और एलडीए और यूडीए, उसका आपने देखा कि 86 नंबर गया है, ठीक है। तो क्या प्रतीत हो रहा है? प्रतीत ये हो रहा है कि भैया पीटी ही आपका सब कुछ है। पिछली बार पीटी कई बच्चे भरना जो है भूल गए थे क्योंकि 20 दिन का मुश्किल से समय मिला था एडवर्टीजमेंट से और लास्ट डेट में, उसके बाद से ये सोचा गया और उसमें भी सर्वर जो है बार बार हैंग कर रहा था, सर्वर काम नहीं कर रहा था, लेकिन कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की गई। काफ़ी बच्चे चूक गए थे, 20-22 लाख बोला जाता है कि फॉर्म पड़ा था लेकिन 17 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। 17 लाख में ये रिजल्ट है कि 8000 वैकेंसी लेखपाल के लिए जो मेंस की कट ऑफ गई है वो आपकी 62 नंबर गई है। तो भैया 2022 की डेट प्रस्तावित है 18 सितंबर को होना है और उसे गवर्नमेंट किसी हालत में करा लेगी। पीटी का डेट इधर उधर नहीं जाएगा, बाकी किसी का जा सकता है एग्जाम का डेट, लेकिन पीटी में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो नोटिफिकेशन सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों के मन में कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा पीटी का, तो भैया जुलाई में, 15 जुलाई के आसपास या उससे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि जो ये आपका पहला सवाल है कि नोटिफिकेशन क्या आएगा। दूसरा यह है कि इस बार पीटी 2022 से कौन कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे आयोग का रवैया है अभी जैसे लेट करते जा रहा है सभी वैकेंसी में, वो उसका मेन मकसद यह है कि 10-10 हजार वाली जो वैकेंसी उसको क्लियर किया जाए। जैसे एसआई को क्लियर कर दिया गया गवर्नमेंट के प्रेशर से, ठीक है, 9000 एनएम है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, कुछ दिनों में उसके भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके वजह से बाकी जो पुराने रिजल्ट हैं 2016 का जूनियर असिस्टेंट है, 19 का जूनियर असिस्टेंट, इन सबको पेंडिंग में रखा गया है। और आने वाली जो वैकेंसी थी एक बाल पुष्टाहार की, वो भी उसी के वजह से कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ी है, उसको आ जाना चाहिए था अभी तक जैसा आयोग में मीटिंग हुआ था उससे जो डिसाइड हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं जुलाई में एजीटीए आने वाला था, तो वो सब अभी देखने को ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति रही तो अगर वो कहीं लंबा गया, ठीक है, तो हो सकता है कि जो 2021 के एपेट स्कोर से होने वाला था, चाहे वो एजीटीए हो, ठीक है, और चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे आप बाल पुष्टाहार वाली जो वैकेंसी है वो हो, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाएगा अगर वो सितंबर के बाद हुआ, क्योंकि आपके पेट का जो स्कोर कार्ड है वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड है, ये ध्यान रखना। पेट का स्कोर कार्ड आपका 1 ईयर तक वैलिड होता है, तो जैसे ही 2021 का आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो वो पेट का स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वैकेंसियां होंगी यूपी ट्रिपल एससी की, वो आपको पेट 2022 के मतलब सितंबर में जब पेट हो जाएगा तो वो 2022 के अंतर्गत ही आएंगी। तो लेकिन अभी जो खबर मिलती है कि पेट 2022 से आने वाली वैकेंसी कौन कौन सी है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि आपने सुना होगा लेखपाल के अध्याचन मांगा गया था, राजस्व लेखपाल के 4000 और पोस्ट
आने वाले हैं। तो ये 4000 आपके अभी 8000 तो भरे जा रहे हैं, 8000 के आपने कट ऑफ देख लिया। और ये कट ऑफ तब थी जब पीईटी में कंपटीशन अभी कम था, पेपर भी ठीक ठाक मतलब नॉर्मल था, बहुत हार्ड ना बहुत टफ, ठीक है, स्कोरिंग था, ठीक है, स्कोर करने लायक था, ऐसा नहीं था कि स्कोर करने लायक नहीं था। अब कितना करने लायक था वो मैं अभी बताऊंगा। तो लेखपाल 8000 में आपने देख लिया कि कितनी कट ऑफ गई, तो 4000 में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कंपटीशन और बढ़ेगा। कुछ लोग इतना पीटी के बारे में अवेयर नहीं थे, लेकिन इस बार ज्यादा सब लोग अवेयर हैं, जान रहे हैं अगर पीटी नहीं देंगे तो भैया पूरे साल यूपी ट्रिपल एससी की कोई नौकरी में हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जितनी वीडियो हमने बनाया मैक्सिमम बच्चे ये उसमें कमेंट करते हैं कि सर क्या इसके लिए पीटी जरूरी है, इसके लिए पीटी जरूरी है, इसका मतलब वो पीटी को हल्के में नाप लिए थे। लेकिन इस बार सब अवेयर हैं, सभी के सभी एग्जाम जरूर देंगे। एजीटीए केन सुपरवाइजर फिर आने वाली है, अभी तो ये 2021 वाली जो आए वो तो है ही है और आने वाली भी है, लेकिन ये हो सकता है अगले साल तक जब 2022 का हो जाए वो। वीडियो 2142 पोस्ट पर अधियाचन मांगा गया था, ये भी आपकी आएगी 2022 के ही अंतर्गत। लैब टेक्नीशियन ये आपकी नई भर्ती आएंगी 2022 पीटी के अंतर्गत, लैब टेक्नीशियन की जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं कॉलेजेस हैं उनमें टेक्नीशियंस जो होते हैं उनके लिए आएगी। जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो, इस बार सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का था लेकिन 2022 पीटी से आपके असिस्टेंट के साथ साथ स्टेनो के भी पद आने के चांसेस है जहां तक ये खबर मिली है। लोअर पीसीएस के भी और पोस्ट आएंगे आपके, क्योंकि 2019 में लोअर पीसीएस हुआ था, उसके बाद ये सप्लाई इंस्पेक्टर और एलडीए यूडीए लोअर पीसीएस की पार्ट थे, तो ये अभी 76 पोस्ट पे हुआ है। तो ऐसे ही लोअर पीसीएस के भी पोस्ट आएंगे, जो लोअर पीसीएस 2 कहलाता था उसके भी पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है, ये जहां तक खबर मिली है कि ये सब यूपी ट्रिपल एससी पीटी के 2022 के स्कोर के अंतर्गत लिए जाएंगे। अब मैंने जो कहा कि भैया कट ऑफ के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि अभी आपने देखा कि इस साल वैकेंसी जो थी कहीं ना कहीं जो जिसमें सभी बच्चे अपीयर हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फो मतलब आहारता नहीं मांगा है। जैसे अभी बोला जाए नर्स की भी वैकेंसी आएगी, वो मैंने नहीं लिखा है, नर्स की भी आएगी लेकिन उसके लिए नर्सिंग चाहिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक्स्ट्रा आहारता मांगता है। जैसे एजीटीए हो गया उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है भैया, तो वैकेंसी जो मैक्सिमम बचती है कि आप लोग कहाँ वीडियो हो गया लोअर पीसीएस जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, इनमें सभी बच्चे जो एक सिंपल सा कोई भी अलग से आहारता नहीं लगता है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब लैब टेक्नीशियन में देखते हैं क्या आहारताएं होती हैं। तो भैया कट ऑफ क्या जाएगी, तो भैया कंपटीशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें इस बार पार्टिसिपेट होंगे, अवेयर हो गए हैं कि भैया पीटी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है, मेन है पहले पीटी पे फोकस होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोग इस पे फोकस रखो, मेन आपको पीटी पे फोकस होना है जो 18 सितंबर को आपको लगा हुआ है, इसका डेट कैलेंडर में निर्धारित है, सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन पीटी का डेट बहुत कम चांसेस हैं कि चेंज होगा। तो अब बात करते हैं कि भैया इन सब वैकेंसियों के लिए कट ऑफ जाएगी आपकी हाई, ये 100% सत्य है चाहे कुछ भी कह लो। और कितनी जाएगी ये भी जान लो कि अभी जो पेपर हुआ था पीटी 2021 का ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा था, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड पेपर था, ठीक था, आसान था, ठीक है, इसमें स्कोर बच्चों ने काफी किया, हमसे भी जुड़े काफी बच्चों ने 94, 95, 97% तक लेके आए, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस पेपर में काफी बच्चों ने 75 से ऊपर स्कोर किया है, एक अगर एवरेज माने तो 75 से अच्छा खासा। अभी आपने देखा कि टोटल लेखपाल में जो सिलेक्शन हुआ है कि आपका कितने स्कोर पे हुआ है, 62 नंबर पे हुआ है, ठीक है, तो 62 नंबर पे हुआ है। और उसके बाद से आपने 76 में देखो 2000 लोगों को शायद बुलाया गया 76 पोस्ट में, 86 से ऊपर 2000 बच्चे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, 76 पोस्ट के लिए 86 से ऊपर 2000 बच्चों को लिया गया है ना, तो उन 2000 बच्चों को लिया गया है तो वो 86 नंबर पाए। तो अभी क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा, हम क्या पीटी 2022 के लिए क्या एक स्कोर मान के चलें कि हम आने वाली सभी वैकेंसियों में एलिजिबल रहें कम से कम। तो ये मत सोचो कि हम 60 नंबर पा जाएं 62 नंबर पा जाएं जो इस बार था उसी पे होगा, भाई नहीं, उस पे नहीं होने वाला है। आपको एक फिक्स रखना पड़ेगा कि आपको 100 नंबर में से पीटी के 100 नंबर में से 85 प्लस स्कोर आपको टारगेट करना है। ये मैं जान रहा हूं कि मैं बड़ा बोल रहा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर 85 बहुत होता है, एक बार आप करके तो देखो आएगा तब ना, अरे भाई नंबर आपके साथ ही आपके लोग ही ले आ रहे हैं कि और कोई आ रहा है एग्जाम देने, नहीं ना,
अब ऐसा नहीं है बच्चे ले आए 88-89 मेरे साथ जो यहाँ पे बच्चे पढ़े हैं पीईटी 2021 हम लोगों से वही बच्चे लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं जब टारगेट बड़ा रखोगे तभी उसके अप्रोक्स पहुंचोगे, तो 80 से लेकर आपके 85 प्लस नंबर आप टारगेट करो कम से कम, ठीक है। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो और सोच लो। मैं क्यों कहूं कि भैया तुम 70 करो चाहिए करो, तो ये मेरा मानना है कि भैया 85 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी हालत में कम से कम 85 प्लस लेके आए, तब जाके इन वैकेंसियों में हमें कहीं ना कहीं बैठने को मिलेगा। और रही बात कुछ ऐसे जो स्पेशल वैकेंसी आती है जिसमें स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है, भैया उसमें तो आप जानते ही हो कि आपके पास जब क्वालिफिकेशन ही नहीं रहेगा तो उसमें कम मार्क्स वालों को वही बुला लेता है, लेकिन जिसमें क्राउड ज्यादा है उसमें तो कट ऑफ हाई जाएगी। अब 4000 लेखपाल अगर आता है तो आप समझ सकते हो 8000 के अपेक्षा 4000 में कितनी कट ऑफ जाएगी। 2142 पोस्ट फिर से वीडियो की आने वाली है, अभी ये वीडियो री एग्जाम हो जाएगा, तो ये फ्रेश वैकेंसी है, री एग्जाम वाली नहीं है, ये फ्रेश वैकेंसी होगी जो पीटी 2022 से भरी जाएगी, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट स्टेनो अब इनका देखते हैं, इनके लिए तो बोला गया था कि भाई जो 50% पा लेगा पीटी स्कोर उनका हम टाइपिंग जो है कराएंगे, अब देखते हैं आयोग क्या करता है। लेकिन सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि 18 सितंबर पीटी स्कोर 85 प्लस, ठीक है। संस्था जो है परीक्षा प्लस संस्था यह कोर्स लॉन्च कर चुकी है, सबसे न्यूनतम फीस में हर बार करती है और 399 में आपका पीटी का बैच है, बैच आपका सुचारू रूप से चल रहा है। जिन बच्चे को इंटरेस्ट है वो पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से पीटी का कोर्स का चयन करें और पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। पूरी टीम मेहनत झोंक देगी आपके साथ कि आपको 85 प्लस हमारा जो टारगेट है हम आपको दिला के रहें, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई दिक्कत है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई समस्या है, ठीक है, वो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए जो मैं लास्ट में फिर से एक बार बोल रहा हूं कि संस्था हर संडे पीटी यूपी ट्रिपल एससी के मतलब एग्जाम जितने भी आपके लगे हुए उनसे रिलेटेड टेस्ट प्लस पुलिस बोर्ड से रिलेटेड टेस्ट हर संडे को कंडक्ट कराएगी और उस टेस्ट के टॉपर को फर्स्ट रैंकर को आपको कैश रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये मत भूलिएगा हर संडे आप परीक्षा प्लस ऐप पर टेस्ट देना, ठीक है। अगर आपसे कोई भी क्वेरी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख और दर्द है तो भैया कमेंट में करना, बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद।